भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आज मुंबई दहिसर की एक गली में ट्रांसफॉर्मर लगाने का श्रेय लेने को लेकर शिवसेना और बीजेपी में भिड़ंत हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक और शिवसेना के पूर्व पार्षद आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तुलना सांप, मेंढक और चोर से की है, इसलिए दहिसर में सियासत गर्माती नजर आ रही है। मुंबई में दहिसर के पश्चिम में गणपत पाटिल नगर स्ट्रीट नंबर 7 पर ट्रांसफॉर्मर लगाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी में एक बार फिर से क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन आज सुबह स्थानीय शिवसेना पार्षद तेजस्विनी अभिषेक गोसालकर और शिवसेना के पूर्व विधायक और महाडा के अध्यक्ष विनोद गोसालकर ने किया। आक्रोशित स्थानीय भाजपा विधायक मनीषा चौधरी ने गोसालकर परिवार को चोर और सांप बताया। शिवसेना के पूर्व पार्षद अभिषेक गोसालकर ने इसका कड़ा जवाब दिया। गोसालकर ने चौधरी को बरसाती मेंढक कहा और उनकी शिवसेना के जिन नगर सेविका ने यहाँ लोगों को, जब हमने मीटर लगाए तभी उसने रिकॉर्ड पे है, तेजस्विनी गोसालकर ने बीएमसी को लेटर लिखा है कि इलीगल कनेक्शन आप दे रहे हो। मैंने पूरे मुंबई महानगर पालिका एमसी झेड़े में सभी का परमिशन लेके, ओनर संजीव नाइक जिन्होंने टाटा की बिजली लगाने के लिए मुझे परमिशन दिया था, ऐसे हमारे इस लैंडलॉर्ड संजीव नाइक उसका लेटर है, उसके ये संजीव सामन प्रॉपर्टीज वाले ने दिया हुआ लेटर है, ये एमसी झेड़े में का आमदार मनीषा चौधरी ने परमिशन लाया वो है। बाद में जब मैंने केबल डाला था तभी केबल उन्होंने निकालने के लिए दिया हुआ लेटर कलेक्टर का वो मेरे पास है। जो काम मैं करती हूँ उस काम का खाली मैं श्रेय ले रही हूँ, और जो मैंने काम किया है गणपत पाटिल नगर की पूरी जनता को मालूम है कि अगर पानी और लाइट उनको किसी ने दिया होगा तो आमदार मनीषा चौधरी ने दिया है। शर्म आती है मेरे को, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की चोरी करके सुबह में 7 बजे ढोल तमाशा लेके आके उद्घाटन करते है, आपके सामने अभी ट्रांसफॉर्मर बैठ रहा है, अभी ट्रांसफॉर्मर बैठ रहा है चोरी से आके 7 बजे ढोल तमाशा लेके। जनता आपके हृदय में नहीं बैठेगी, जनता जनार्दन को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की मनीषा चौधरी इन्होंने पूरे कष्ट से ये गणपत पाटिल नगर के जनता को पानी और लाइट दिया। मनीषा चौधरी आगे बढ़ो, मनीषा चौधरी संघर्ष करो, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का गणपत पाटिल नगर के सम्मान में, गणपत पाटिल नगर के सम्मान में। उन्होंने कहा कि जब पहले ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करना था तब उसके पहले नहीं आई, जब हम करते हैं तभी बरसाती मेंढक की तरह। अरे हम लोग अभी, अगर उसका उद्घाटन करने का था तो ट्रांसफार्मर तो अभी बैठ रहा है आपके सामने, ट्रांसफार्मर अभी बैठ रहा है, टाटा वालों को भी मालूम है ये उद्घाटन ये ट्रांसफार्मर बैठने आने के बाद होता है। उनके दिल में चोरी थी इसीलिए 7 बज के आके चोर जैसा उन्होंने आज इधर उद्घाटन करने का नाटक किया है। मैं कहना चाहती हूँ अगर शिवसेना में ताकत है तो उन्होंने बताना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए। अगर उनके दिल में चोरी नहीं होती थी तो इज्जत से आते थे और इज्जत से इधर उद्घाटन करते थे। कल आप सदन में मुंबई महानगर पालिका के हाउस में भी देखा है कैसी बदतमीजी कर रहे शिवसेना। अरे उनके गुंडागिरी को डरने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी काम से बड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी हर एक आदमी के दिल में। हमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सब उनके विधायक चुन के आए, हमारी युति थी, फिर भी रजा एकेडमी को साथ देने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाके बैठी है। शिवसेना ने क्या किया है, हम लोग मेंढक नहीं है, मेंढक तो आप है, क्योंकि कमल तो पानी में लेकर निकल से सूरज के सामने, सूरज आता है उसके पहले कमल खिलता है,
लोग के दिल में कमल है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने परमिशन दिए, आप सब उसके गवाह सामने हो कि 2014 से मनीषा चौधरी ने संघर्ष करके ऑन रिकॉर्ड सभी परमिशन का सबूत के साथ आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मराठी मध्ये सांगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।